कल चुप लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। हम सब माफ करना। विरोधी दल नेतांक प्रति प्रधानमंत्री अद्भुत श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शन। विदायी कांग्रेस राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजाद भावप्रवण हेले प्रधानमंत्री मोदी। 14 वर्ष तलर कथा मन पक निज कोह संबरण करिपारिले नि प्रधानमंत्री। राजनैतिक संपर्क अपेक्षा व्यक्तिगत संपर्क को देले प्राथमिकता। निजर कार्यकाल शेष करिथवा चारि राज्यसभा सांसद को भावपूर्ण विदाय। विरोधी राजनैतिक दल रे थिले भी देश गठन दृष्टि अनुभवी नेता किपर उपयुक्त सम्मान और श्रद्धा जनवाक पड़े मंगलवार दिन तार एक उदाहरण देखी देशर सदन एवं सारा देश। से विरल उदाहरण सृष्टि कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। चलित मस शेष हो चारिज राज्यसभा सांसद कार्यकाल से शमशेर सिंह बीजेपी होता बेले नाजीर अहमद और मीर मोहम्मद फयाज पीडीपी सांसद। अन्यतम सांसद होती जम्मू काश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। समस्त विदायी सांसद सहित निजर व्यक्तिगत संपर्क और देशर गणतंत्र प्रति सेमानकर अवदान को प्रधानमंत्री सम्मान सह मन पकाइथिबा बेले गुलाम नबी कथा मन पकई अत्यंत भावप्रवण हो पड़ते प्रधानमंत्री। राज्यसभा विरोधी कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद 2007 जुलाई में घटी एक विशेष घटना को मन पकाई प्रधानमंत्री। सेतेबेले गुलाम नबी जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री थिबा बेले मोदी थिले गुजरात मुख्यमंत्री। गुजरात किछि पर्यटक जम्मू काश्मीर आतंकवादी आक्रमण शिकार होता बेले गुलाम नबी किपरि मोदी तुरंत संपर्क रखी से दिगरे सहयोग करथिले से कथा को मन पक भावप्रवण हो पड़ते मोदी। दीर्घ 14 वर्ष तलर कथा मन पकाइबा बेले मोदी निजर कोह संबरण करिनपारी कांदी पकाइथिले। स्तब्ध हो जाइथिला पूरा सदन। दुईटी अलगा दल रे थिले भी गुलाम नबी मोदी व्यक्तिगत घनिष्ठ संपर्क सदन में उपस्थित समस्त सदस्य को भावप्रवण कर देइथिला। अन्य मानक सह खोद गुलाम नबी बेस भावप्रवण हो मोदी और अन्य सदस्य उद्देश्य बारंबार हाथ जोड़ी कृतज्ञता जनाउथबार देखा जाइथिला। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता तबे गुलाम नबी आजाद को कहिबा पाली पड़ीबा समय रे मध्य समान परिस्थिति सृष्टि होइतला सदन रे। प्रधानमंत्री जेउ घटना को मने पकई भावप्रवण होई पड़ीथिले सेही घटना को वर्णना करी कांदी पकाइथिले गुलाम नबी। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया।
मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए, भारतीय संसदर उच्च सदन में एपरी भावपूर्ण परिस्थिति आगुरु केबे देखा मिल ना, जहां मंगलवार दिन देखा मिली। कौनसी राजनैतिक विरोधाभास जे भारतीय राजनेता व्यक्तिगत संपर्क रक्षा करिवारे बाधक साजे ना, ताहा प्रमाणित करिछंती मोदी और गुलाम नबी भरिष्ठ नेता माने। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।